अतीक हत्याकांड में तीनों शूटर्स को एसआईटी की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज ला रही है। एसआईटी इन शूटर्स की रिमांड लेना चाहती है। इसके लिए उन्हें सीजीएम कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तीनों हमलावरों को प्रयागराज से प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, मगर अब एक बार फिर पेशी के लिए उन्हें प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाया जा रहा है। तीनों आरोपियों पर हमले की आशंका के मद्देनजर उनकी सुरक्षा में भारी भरकम पुलिस बल की तैनाती की गई है। 7 गाड़ियों के काफिले में प्रयागराज से प्रतापगढ़ इनको लाया जा रहा है। सीजीएम कोर्ट में इसके बाद इनकी पेशी की जाएगी। इस काफिले का नेतृत्व डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, जबकि 2 अन्य बोलेरो में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर पूरे दल बल के साथ मौजूद हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डीएसपी के नेतृत्व में चल रहे इस काफिले में करीब 60 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, मतलब सुरक्षा में पुलिस का एक बड़ा काफिला तैनात है। बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या से जुड़े तार खंगालने के लिए पुलिस की एसआईटी ने प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है। इसमें एसआईटी ने तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड मांगी है। इस मामले में आज प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके लिए तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ की जेल से प्रयागराज कोर्ट लाया जा रहा है। उधर यूपी पुलिस ने अतीक की पत्नी को लेकर के भी ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कौशाम्बी से पश्चिम बंगाल तक ये छापेमारियां चली हैं। शाइस्ता के कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई और पश्चिम बंगाल में कहीं छिपे होने की आशंका है। शाइस्ता परवीन के 20 से ज्यादा ऐसे मददगारों को भी चिन्हित किया गया है जो उसकी मदद कर सकते हैं। इस सिलसिले में प्रयागराज का एक बिल्डर, शाइस्ता की एक करीबी महिला डॉक्टर, इन सब से पूछताछ की गई है। उधर गुड्डू मुस्लिम को अभी तक पुलिस तलाश रही है। अतीक अहमद का खास शूटर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम ही उसका सारा नेटवर्क संभालता था, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। हालांकि पुलिस आज उसके घर पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई भी कर सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।